Hi, I'm Paras Todeja and welcome to my YouTube channel Fitness Freaks India. So, ये video है 7 very common myths के बारे में जो regularly मुझे सुनने को मिलते हैं. I've already done one part on myths about bodybuilding, weight loss, weight gain, general fitness. So, this is the part 2 of that series. अगर आपने part 1 नहीं देखा है तो मैं description में उसका link share कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं. तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड अबाउट ऑल द न्यू कंटेंट. फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन मिथ, मेनी पीपल बिलीव कि दे कैन ईट एनीथिंग इफ दे वर्कआउट. यू हैव टू मेंटेन अ गुड बैलेंस बिटवीन योर वर्कआउट एंड योर मील. अगर आप एप्रोप्रिएट बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो अपने न्यूट्रिशन का और वर्कआउट का, सो ऑब्वियसली आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे. आप स्पेंडिंग आवर्स एंड आवर्स इन जिम एंड थिंकिंग कि यार मैंने तो इतनी कैलोरी बर्न कर ली है तो अब आई एम अलाउड टू ईट एनीथिंग, दैट्स अनट्रू. ईटिंग हेल्दी इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप वेट गेन टारगेट कर रहे हो, वेट लॉस या जनरल फिटनेस भी टारगेट कर रहे हो. सो यू कैनॉट ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इफ यू आर वर्किंग आउट. नंबर टू, वॉकिंग अलोन विल हेल्प यू लूज वेट. ये बहुत कॉमन मिथ है उन लोगों को जो या तो वेट लॉस टारगेट कर रहे हैं या फिर एक सर्टन एज के बाद ये बिलीव करते हैं कि जिम्स उनके लिए नहीं है या रनिंग और वेट ट्रेनिंग उनके लिए हार्मफुल है. ऐसा नहीं है. इफ़ यू बिलीव कि आप सिर्फ वॉक करेंगे, ब्रिस्क वॉक करेंगे एंड आपका वेट लॉस हो जाएगा, दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू. 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक बर्न्स अराउंड 150 कैलोरीज, विच इज़ नॉट इनफ फॉर वेट लॉस. अगर आप कैलोरी डेफिसिट पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं, इट इज़ नॉट इनफ. सो मेंटेनिंग अ गुड बैलेंस बिटवीन योर कार्डियो एंड योर वेट ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आप एक घंटा या डेढ़ घंटा ट्रेडमिल पे या पार्क में वॉक करके 200, 250, 300 कैलोरी बर्न कर लोगे, दैट वोंट हेल्प यू विद योर वेट लॉस. दैट कैन हेल्प यू विद मेंटेनिंग अ गुड वेट या जो भी बॉडी वेट मेंटेन करना चाहते हैं, बट दैट वोंट अफेक्ट यू विद योर वेट लॉस पैटर्न और कैलोरी डेफिसिट पैटर्न. नंबर 3, फैट बर्नर्स विल मेक यू लूज वेट नो मैटर व्हाट. सी, फैट बर्नर सप्लीमेंट्स कैन ओनली पुश यू टू एन एक्सटेंट. दे कैन हेल्प यू विद योर वेट लॉस बिकॉज उसमें जो इंग्रीडियंट्स होते हैं वो आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी फास्ट कर देते हैं, वो आपको फैट बर्निंग प्रोसेस फास्ट कर देते हैं या फिर आपका एपेटाइट सप्रेस कर देते हैं. दे कैनॉट मेक यू लूज वेट. अ बैड डाइट कैनॉट बी कॉम्पनसेटेड विद फैट बर्नर्स. एक फैट बर्नर यूज करने से देर इज नो गारंटी कि आपका वेट लॉस होगा ही होगा. उसके लिए आपको एक अच्छा बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा बिटवीन योर कार्डियो एंड योर वेट ट्रेनिंग, अच्छा डाइट लेना पड़ेगा. एंड ये जो फैट बर्नर सप्लीमेंट्स हैं, गुड फैट बर्नर सप्लीमेंट टेकन इन स्मॉल डोजेस विल जस्ट हेल्प यू विद योर प्रोसेस एंड विल जस्ट पुश योर प्रोसेस अ लिटिल एंड मेक इट अ लिटिल फास्टर एंड गिव यू मोर एनर्जी. दैट्स इट. नंबर 4, अंडरवेट पीपल कैन ईट एनीथिंग विदाउट वरिंग. दैट्स नॉट कंप्लीटली ट्रू. ऑब्वियसली दे आर प्रिविलेज एज कंपेयर टू पीपल हु आर ओवरवेट बिकॉज दे कैन ईट एनीथिंग, ट्रू, in small quantities or sometimes. But if you are eating unhealthy or junk food, which is a lot of salt, sugar, or which is deep fried, it is not a good way to gain weight. Ultimately, you will have to put on weight, but there is a high chance you may fall sick. So if you want to avoid that, if you want to gain weight in a healthy way, switch to healthy snacking and healthy food replacements. I mean, maintain a good balance with your eating and your workout, and you can put on good weight in very quick time and in a healthy way. Number 5, more cardio means more weight loss. This is not completely true. Agar aap balance nahi maintain kar pa rahe ho apne cardio aur weight training ka, you will ultimately stop the process or slow down the process of weight loss. Because jab aap excess mein cardio karte ho to aapki body energy requirement badh jati hai and wo match nahi kar pati hai, jiski wajah se it starts eating up more muscle. एंड अल्टीमेटली आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी स्लो डाउन हो जाता है और आपका वेट लॉस प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाता है. सो अगर आप हेल्दी वे में वेट लॉस करना चाह रहे हो और आप चाहते हो कि आपके जॉइंट्स, आपके नीज बचे रहें, देन मेक श्योर यू मेंटेनिंग अ गुड बैलेंस. आप एक्सेस में कार्डियो नहीं कर रहे हो, मेंटेन अ गुड बैलेंस ऑफ योर न्यूट्रिशन, योर कार्डियो एंड योर वेट ट्रेनिंग. नंबर 6, मोर स्वेटिंग मींस बेटर वर्कआउट या बेटर वेट लॉस. ऐसा नहीं होता है. जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो बॉडी स्वेट करती है टू लोअर डाउन दैट टेम्परेचर, जिसमें वाटर लॉस होता है, सॉल्ट्स जाते हैं. दैट डजंट मीन कि आपका वेट लॉस ज़्यादा हो रहा है. और अगर कोई टेम्परेरी वाटर लॉस की वजह से आपका वाटर वेट डाउन भी हुआ है, दैट्स नॉट परमानेंट वेट लॉस. सो हर किसी का पर्सपिरेशन का लेवल अलग होता है
कई लोग कम स्वेट करते हैं, दैट इज नो साइन कि उनका कैलोरी बर्न लो है या वो लोग उस स्पीड से वेट लॉस नहीं कर पाएंगे. सो परस्पिरेशन इज नो साइन और स्वेटिंग इज नो साइन ऑफ अ बेटर वर्कआउट और ऑफ अ क्विकर वेट लॉस प्रोसेस. सेवेंथ बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट मिथ, ये भी बहुत कॉमन मिथ है एक सर्टन एज के लोगों को, दे बिलीव कि एक एज के बाद इट इज इम्पॉसिबल टू हैव अ गुड बॉडी, which is not completely true. See, everybody reaches its peak of best hormone production between the age of 35 to 40. Like, agar aap 35 se 40 saal ki age ke hain, ya us age bracket mein hain, you'll reach your peak of the best hormone production. I agree ki 40 ke baad your natural hormone production starts to decline, which is another source of having a good body. Your hormones are very much important for having a good body, may it be a male body or a female body. But aisa nahi hai, with good discipline, with good training, with good nutrition and supplementation, you can maintain a good body or you can start your fitness regime after a certain age. Suppose 40-45 ke baad bhi you can start your fitness regime and have a very good body and a fit and healthy body. So that's a big myth. Thank you for watching the video. I hope aapko ye helpful laga. If yes, don't forget to share it with your friends. Like and comment. Agar aap chahte ho main kisi topic pe video karun, to do let me know. And agar aap channel pe naye ho aur abhi tak subscribe nahi kiya hai, to jaate ho channel subscribe zarur kar dena. Bell icon zarur daba dena. Until next time, stay fit. See ya. Awaaz nahi aayi. Start ho gaya. Common myths. Hi. Hi, I'm Paras. Yaar, tu speak full laga. If you found it, thank you. वहीं से वापस आ जाए. मुझे बहुत regular, जो मुझे usually regularly सुनने को मिल. Seven. Please. Let's go. Let's go. I'm gonna. People believe. साथ उन ये common myths. ये वीडियो इज अबाउट के बारे में जो ये मैं अगर आप चैनल पे नए हो उससे तो मेंटेन हाय ओके फूड एंड यू गुड एंड इनटेक का अगर आप अगर आप जो लोग इधर तो जो लोग विल हेल्प यू विद योर हेल्दी वेट गेन सी ईटिंग उन लोग चलते रहते अगर आप बैलेंस मेंटेन अ गुड टेम्परेचर लो डाउन कर क्योंकि दिस प्रोसेस नहीं स्वेटिंग बाय नॉट सर्टन जो सर्टन एज चलते फिर से करना पड़ेगा. मैंने बहुत कुछ संभल किया है, मुझे कोई पॉइंट ऐसे फंस जाता है ना गले की हड्डी की तरह.